अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। रीडिंग करना शुरू करते हैं। कैपेसिटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद डिफरेंट स्टैंडर्ड कैपेसिटेंसेस एंड बाय कंबाइनिंग देम इन सीरीज और इन पैरेलल वी कैन गेट एनी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। हम कहता है कि जनरली कैपेसिटेंस डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे बनते हैं, उनकी कैपेसिटेंसेस डिफरेंट होती हैं और इस वजह से हम हर वैल्यू का कैपेसिटर मार्केट में फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हम जब कोई हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐसी वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाती है जो कि नहीं होती, तो हम उनके कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं जो उन कैपेसिटर्स के जो हमारे पास होते हैं। इस तरह हम वो कैपेसिटेंस भी रीच कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो वो कौन कौन सी कॉम्बिनेशन हैं? वो दो किस्म की कॉम्बिनेशन हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। रीडिंग करना शुरू करते हैं। कैपेसिटर्स इन पैरेलल। In this combination, the left plate of each capacitor is connected to the positive terminal of the battery by a conducting wire. In the same way, the right plate of each capacitor is connected to the negative terminal of the battery. इसमें क्या होता है कि इसको समझाने के लिए आप ये फिगर देख सकते हैं कि हर कैपेसिटर की जो लेफ्ट साइड बैटरी के साथ कनेक्टेड है और हर कैपेसिटर की राइट साइड बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और इस सारे सर्किट को कंट्रोल किया जा रहा है इस की के थ्रू। ठीक है, की बेसिकली एक कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर आप की को निकाल देंगे तो सर्किट बंद हो जाएगा, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और अगर की को लगा देंगे तो सर्किट चल जाता है। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस के सारे टर्मिनल्स जो हैं सॉरी बैटरी कैपेसिटर्स के सारे टर्मिनल्स बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड वाले टर्मिनल्स और राइट साइड टर्मिनल्स जो हैं वो दूसरी बैटरी के टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह इक्वल पोटेंशियल आता है सारों का। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो पढ़ते हैं। ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी हैज़ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट, दैट इज़ दिस। मतलब हर पोटेंशियल डिफरेंस, हर कैपेसिटर के इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। इसका पोटेंशियल वी है तो इधर भी वी होगा, इधर भी वी होगा, इधर भी वी होगा। उसने V1, V2, V3 रिप्रेजेंट किया है पहले कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर, तीसरे कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस को। वो सारा सेम है, वो V के इक्वल है। द चार्ज डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसेस। लेकिन कैपेसिटेंसेस डिफरेंट हैं इन तीनों की। उसने कहा कि इसकी कैपेसिटेंस क्या है C1, इसकी क्या है C2, इसकी क्या है C3। अब हमने इससे पीछे फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV। अब इस फार्मूले के मुताबिक अगर हमारा वी सेम हो और सी डिफरेंट हो तो क्यू डिफरेंट होगा, क्योंकि सी डिफरेंट है तो इसलिए चार्ज जो होगा डेवलप हर कैपेसिटर पे वो डिफरेंट होगा। द टोटल चार्ज क्यू सप्लाइड बाय द बैटरी इज डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स हैंस। अब उसने कहा है कि टोटल चार्ज जो बैटरी ने दिया था और जो डिवाइड हो गया वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? इस इक्वेशन से। टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, और अब हमने कहा है कि क्यू किसके इक्वल किसके इक्वल है? C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। ये सेम वही प्रिंसिपल है ये वाला कि हर कैपेसिटर का गिर्द वोल्टेज जो सेम होगा उसकी कैपेसिटेंस क्या है। फर्स्ट करें C1 है तो उसका चार्ज Q1 होगा, C2 है तो उसका चार्ज Q2 होगा, वही हम इधर देख रहे हैं। अब उसने क्या किया, V कॉमन लेके इस तरह डिवाइड कर दिया है। चौथा पॉइंट, दस वी कैन रिप्लेस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट सच दैट सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। उसने कहा कि हम देखते हैं कि इन सारे कैपेसिटेंसेस का सम किसके इक्वल आ रहा है? क्यू ओवर वी, जो क्यू क्या है? टोटल चार्ज जो कि इन तीनों पे डिवाइडेड था और डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है, सर्किट की, तो इन दोनों का रेशियो उसने कह दिया है सी इक्विवेलेंट के इक्वल है, जो कि एक नया कैपेसिटर है जो कि हमें ज़रूरत थी हमारे लैब एक्सपेरिमेंट में या हमारे प्रोजेक्ट में जिसकी ज़रूरत थी ये वो है। ठीक है, इन केस ऑफ एन कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दिस। अब वो कह रहा है कि फर्ज करें एन कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर्स हैं, एन कैपेसिटर्स मतलब एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, फर्ज करें अगर एन कैपेसिटर्स हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह आएंगी? C1 प्लस C2 C3 अप टू सो ऑन, मतलब जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सारों की कैपेसिटेंसेज सम हो जाएंगी। ठीक है, यही पैरेलल का फाइनल इक्वेशन है कि सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस सम हो जाएंगी। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर से हमेशा ग्रेटर होती है, क्योंकि वो हमेशा सम होती है। ठीक है, इसलिए फर्ज करें अगर तीन है तो ये कैपेसिटेंस जो हम इसको रिप्लेस करेंगे, उसने रिप्लेस डायग्राम शो की नहीं है, तो
बेसिकली हम उससे कहने का मतलब है कि हम इस पूरे को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे, वो किसके इक्वल होगा, एक जिसको इन तीनों की सम के इक्वल होगा, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस। अच्छा, उसके बाद चूंकि ये जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आई है इन तीनों को ऐड करने के बाद, वो इन तीनों का सम है, तो वो हमेशा ही ग्रेटर होगी इन इंडिविजुअल से, मतलब सी वन से भी ग्रेटर होगी, सी इक्विवेलेंट सी टू से भी ग्रेटर होगी, सी थ्री से भी ग्रेटर होगी, ठीक है। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब बेसिकली यही है कि हम तीनों को रिप्लेस कर देंगे एक के साथ, कैपेसिटर के साथ, ठीक है। ये वही फिगर है पहले वाली, उसके ऊपर सी इक्विवेलेंट इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है बस, ठीक है। इस तरह आप पैरेलल को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स इन सीरीज। रीडिंग करना शुरू करते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, दैट इज द राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें डिफरेंट सिनेरियो है। इसमें क्या सिनेरियो है कि हर कैपेसिटर साइड बाय साइड कनेक्टेड होता है, कि पहले की राइट साइड अगले की लेफ्ट साइड से कनेक्टेड होती है, और यही इस तरह चलता जाता है पूरा कॉम्बिनेशन, और आखिरी वाले की जो राइट साइड होती है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है, और पहले वाले की लेफ्ट साइड भी बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है, और कि यहाँ पे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही है। अब इस सर्किट की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पहले वो पढ़ते हैं। ईच कैपेसिटर हैज़ द सेम चार्ज अक्रॉस इट। इफ़ द बैटरी सप्लाइज क्यू चार्ज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर सी वन ड्यू टू द इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द राइट प्लेट एंड प्लस क्यू चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर सी टू, दैट इज दिस। अब वो कहता है कि अगर हम अज्यूम करेंगे क्यू चार्ज यहाँ से निकल के डिपॉजिट हो रहा है इधर, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव क्यू इंड्यूस होगा, और चूंकि ये भी इसके साथ ही है तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ये चलता जाएगा। इस तरह हर कैपेसिटर पे पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू, ऐसे चार्ज डेवलप होता जाएगा थ्रू आउट द एंड। तो हम कहते हैं कि चार्ज डेवलप अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज द सेम, जो कि टोटल चार्ज जो बैटरी ने सप्लाई किया था उसके इक्वल होता है, क्यू के इक्वल, ठीक है। अब पहले कैपेसिटर का चार्ज क्यू वन है, फिर दूसरे के क्यू टू, तीसरे के क्यू थ्री, और ये सारे बैटरी के सप्लाइड चार्ज क्यू के इक्वल हैं। दूसरी बात, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू वोल्टेज, ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंसेस। अब उसने कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है हर के अक्रॉस, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही फार्मूला जो हमने पढ़ा था, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तीसरा पॉइंट, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स, हैंस दिस। अब वो कहता है कि किस तरह डिवाइडेड है, वो इस तरह डिवाइडेड है कि वो सम के इक्वल आ जाएगा, और ये एक बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिकल का कि तमाम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप हमेशा सेम इक्वल होंगे बैटरी के वोल्टेज के। तो वो उसने उसके मुताबिक कहा है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब पहले कैपेसिटर पे क्या वोल्टेज है? V1, दूसरे पे V2, तीसरी पे V3, और इस तीनों का सम किसके इक्वल है? V के। इससे आपको पता लग जाएगा कि आगे आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह कि आप इस पे वही फार्मूला लगा दें, Q इज इक्वल टू CV, उससे V आ जाएगा क्यू ओवर सी। अब चूंकि चार्ज सेम है तो उसने क्यू लिखा हुआ है सारों के ऊपर, ना कि Q1, Q2 और Q3, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंसेस तो डिफरेंट हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं। तो उसके बाद उसने क्यू कॉमन लिया और उसको वी से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। दस वी कैन रिप्लेस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटर सी, कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट, दैट इज दिस। अब वो कहता है कि यहाँ पे भी सेम वही फिनोमिना है कि हम जो कैपेसिटेंस आ रही है उसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल है? वो उसका रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस का, वो इनके रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल है इंडिविजुअल्स के, ठीक है। और वो कहता है कि अगर n कैपेसिटर्स होंगे तो हमारे पास n इक्विवेलेंट आ जाएंगे, मतलब कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू सो ऑन, ठीक है, 1/CN तक ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हर कैपेसिटर का इनवर्स ऐड हो रहा है और उनका एंड पे इनवर्स लेके हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये भी बात है कि इसमें होता है कि जो आपके इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज होती हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब फ़र्ज करें आपने 0.25 की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है और आपके पास 1 तक की मौजूद है, उससे छोटी मौजूद नहीं है, तो आप कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन की बजाय सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास छोटी कैपेसिटेंस है। लेकिन अगर आपको बड़ी कैपेसिटेंस की ज़रूरत है, फ़र्ज करें जो कि आपके पास नहीं है अवेलेबल मार्केट में, तो आप पैरेलल यूज़ करेंगे, उससे आप ऐड करके उनकी कैपेसिटेंसेज निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला टॉपिक हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।